नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां आप लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां लेकर इस वीडियो में हाजिर हुई हूं। जो भी पुत्रदा एकादशी करता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पुत्रदा एकाद कब है और इसके लिए जो उसका शुभ मुहूर्त है वो क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो आप लोग बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को वैसे तो समर्पित होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जो है भगवान विष्णु की कृपा जो है उस व्यक्ति पर बनी रहती है और उसके हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। ऐसे में हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को पूरी तरीके से समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। वहीं पौष माह का अंतिम एकादशी व्रत 2 जनवरी यानी कि साल 2023 में सोमवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं साल 2023 की शुरुआत ही एकादशी व्रत के साथ होने जा रही है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का जीवन में काफ़ी खास महत्व है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 1 जनवरी शाम 7:12 से होने जा रहा है, पर होगा जो 2 जनवरी शाम 2024 पर समाप्ति होगी, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आपको आई होंगी पसंद। यदि आपको आई हैं पसंद और आपको मिल गई है सारी जानकारी पुत्रदा एकादशी से लेकर, क्योंकि 2 जनवरी को इसको रखा जाएगा, इस व्रत को, इसकी पूजा पाठ को लेकर कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।